नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। वेल गाइज, उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त एंड तंदुरुस्त हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपको इस चैनल पर मिलता है मिस्टीरियस, अमेजिंग एंड फैक्ट से भरपूर कंटेंट। सो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेक श्योर कि आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आज की हमारी वीडियो भगवान में आस्था रखने वाले भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि क्या है ना कि कुछ लोग बहुत सारी चीजों पर ऐसे विश्वास कर लेते हैं आस्था के नाम पर। हम लोग उन चीजों के पीछे के साइंटिफिक पैरामीटर्स की तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो आज हम ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में जानेंगे, तो बने रहना हमारे साथ वीडियो के एंड तक। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप लोगों से मेरे कुछ सवाल है। आखिर मंदिर में खूब बड़ी सी धातु की घंटी क्यों लगी होती है? किसी भी पुरुष को यज्ञोपवीत क्यों बनाया जाता है? और क्या पंडितों को भी यज्ञ पवित्र बहना जरूरी होता है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिर मंदिरों में हवन क्यों कराए जाते हैं? आप इस वीडियो को एक मिनट के लिए रोकिए और कमेंट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो उसे लिख दीजिए। खैर, तब तक हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल था कि मंदिर में धातु की बड़ी सी घंटी क्यों बंधी होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में पाठ पूजा का अधिक महत्व है, न केवल धार्मिक शास्त्रों में बल्कि वास्तु तथा ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, आप में से लगभग जो भी लोग मंदिर जाते होंगे अक्सर देखते होंगे कि मंदिर के बाहर एक घंटी लगी होती है। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले हर कोई इसे बजाकर निकलता है। हालांकि मौजूदा समय की बात करें तो कोरोना के कारण मंदिरों आदि में कोरोना से बचाव के लिए कुछ गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है, जिसके अनुसार इन्हें छूना वर्जित है। मगर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इसे मंदिरों के बाहर लगाया जाता है, इसके बजाते वक्त इससे निकलने वाली ध्वनि मानव पर क्या प्रभाव डालती है, आज हम इन सभी बातों के बारे में यहाँ बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि घंटी लगाने की ये परंपरा कोई आज से नहीं बल्कि प्राचीन समय से प्रचलन में है, जिसके अनुसार सनातन धर्म से जुड़े लगभग हर धार्मिक स्थल पर इसे पाया जाता है। दरअसल इसे लगाने का कारण ये भी बताया जाता है कि घंटी को बजाने से मंदिर में विराजमान देवी देवताओं की प्रतिमाओं में चेतना जागृत हो जाती है, जिसके बाद की गई उनकी पूजा अधिक प्रभावशाली हो जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि घंटी की मेस्मराइजिंग साउंड भक्तों के मन मस्तिष्क को अध्यात्म की ओर ले जाने की शक्ति रखती है। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि मन घंटी की लय से जुड़कर शांति का अनुभव करता है। यही कारण है कि तमाम मंदिरों में सुबह व शाम दोनों ही समय आरती के दौरान एक लय में विशेष प्रकार की धुन के साथ घंटियां बजाई जाती हैं, जिससे वहां मौजूद लोगों के मन को शांति मिले तथा जातक अधिक आध्यात्मिकता का अनुभव करते हैं। दोस्तों, दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर हवन क्यों किए जाते हैं, हवन का महत्व क्या होता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं जिनकी पाठ पूजा की विधि अलग अलग है, लेकिन पूजा के बाद सबका हवन या पूर्ण आहुति देने का विधान लगभग एक जैसा ही है। ये परंपरा ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही है, जिसे आज तक निभाया जा रहा है। कहा जाता है कि हवन करने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। हवन करने से वातावरण शुद्ध रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हिंदू धर्म में हवन धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया जाता है। दोस्तों, हवन की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी किया गया है। दरअसल अग्नि के जरिए ईश्वर की उपासना करने की विधि हवन या यज्ञ कहलाती है। कहा जाता है कि हवन करने से हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। पूजा के बाद हवन आज भी उतना ही शुभ फलदायी माना जाता है जितने पहले हुआ करता था। हिंदू धर्म में हवन को शुद्धिकरण का एक कर्म कांड माना गया है। कहा जाता है पूजा पाठ समेत कोई भी धार्मिक कार्य हवन के बिना अधूरा है, जिसके जरिए आसपास की नकारात्मक और बुरी आत्माओं के प्रभाव को खत्म किया जाता है। तो चलिए जानते हैं हवन का वैज्ञानिक महत्व।
दोस्तों, गायत्री परिवार के किशोर रघुवंशी का कहना है कि हवन का धार्मिक महत्व के साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। उन्होंने बताया कि हवन से जो धुआं निकलता है उससे वायुमंडल शुद्ध होता है। हवन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री सेहत के लिए अत्यंत फायदेमंद होती है। इसमें गाय के गोबर से बने कंडे का इस्तेमाल भी किया जाता है। हवन करने से कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें लगभग 94% हानिकारक जीवाणु नष्ट करने की क्षमता होती है। अब यहाँ से एक और शब्द निकला है, वो है स्वाहा। आखिर हवन करते समय स्वाहा ही क्यों बोला जाता है? दोस्तों, प्राचीन काल से ही यज्ञ की वेदी में आहुति देते समय स्वाहा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भी कोई हवन होता है तो यज्ञ की वेदी में स्वाहा का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री हवन कुंड में अर्पित की जाती है। मान्यता है कि ये हवन सामग्री का भोग अग्नि के जरिए देवताओं तक पहुंचाया जाता है। मान्यता के अनुसार कोई भी हवन या यज्ञ तब तक सफल नहीं माना जाता तब तक हवन सामग्री का ग्रहण देवता न कर ले, और देवता ये हविष्य तभी ग्रहण करते हैं जब अग्नि के द्वारा स्वाहा के माध्यम से अर्पित किया जाता है। दोस्तों, ज्योतिषाचार्य पंडित रामानुज शुक्ला के अनुसार पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि स्वाहा अग्नि देव की पत्नी है। ऐसे में हवन के समय स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हुए हवन सामग्री अग्नि देव के जरिए देवताओं तक पहुंचाई जाती है। पुराणों में उल्लेख है कि ऋग्वेद काल में देवता और मनुष्य के बीच अग्नि को माध्यम के रूप से चुना गया था। इतना ही नहीं, श्रीमद् भागवत गीता और शिव पुराण में इससे जुड़ी कई कथाओं का उल्लेख मिलता है। यही वजह है कि हवन करते समय स्वाहा शब्द का उच्चारण किया जाता है। तीसरा सवाल ये था कि यज्ञोपवीत यानी जनेऊ क्यों पहना जाता है और कौन कौन इसे पहन सकता है। दोस्तों, जनेऊ का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज मन में आती है वो है धागा। दूसरी चीज है ब्राह्मण। जनेऊ का संबंध क्या सिर्फ ब्राह्मण से ही है? ये जनेऊ पहनते क्यों हैं? इसका क्या कोई लाभ है? जनेऊ क्या है, क्यों है, कैसे, आज आपका परिचय इससे ही करवाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। हर हिंदू जनेऊ पहन सकता है, बेशर्त है कि वो उसके नियमों का पालन करे। ब्राह्मण ही नहीं, समाज का हर वर्ग जनेऊ धारण कर सकता है। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक का यज्ञ तथा स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म, मतलब सीधा है, जनेऊ संस्कार करने के बाद ही शिक्षा का आधार मिलता था, और जो शिक्षा नहीं ग्रहण करता था उसे शूद्र की श्रेणी में रखा जाता था। इतना ही नहीं, जिस लड़की को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना हो वो जनेऊ धारण कर सकती है। ब्रह्मचारी 3 और विवाहित 6 धागों को जनेऊ पहनता है। यज्ञोपवीत के 6 धागों में से 3 धागे स्वयं और 3 धागे पत्नी के बतलाए गए हैं। दोस्तों, जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याएं 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 शत्रु ग्रंथ और 9 अरण्यक मिलकर होती है। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई कढ़ाई बुनाई, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि आता है। जनेऊ धारण के नियम क्या क्या हो सकते हैं? नंबर 1, मलमूत्र विसर्जन के दौरान जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। नंबर 2, अगर जनेऊ का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल लेना चाहिए। नंबर 3, घर में जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल देने की परंपरा है। जिनके गोद में छोटे बच्चे नहीं है वे महिलाएं भी जनेऊ संभाल सकती हैं, किंतु उन्हें हर मास मासिक सोच के बाद उसे बदलना पड़ता है। नंबर 4, जनेऊ शरीर से बाहर नहीं निकला जाता, साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रहकर ही घुमा कर धो लेते हैं। नंबर 5, बालक जब इन नियमों के पालन करने के योग्य हो जाएं, तभी उनका यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जनेऊ का वैज्ञानिक महत्व क्या है? नंबर 1, बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से ऐसे स्वप्न नहीं आते। नंबर 2, जनेऊ के हृदय के पास से गुजरने से ये हृदय रोग की संभावना को कम करता है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से संचालित होने लगता है। नंबर 3, जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति सफाई नियमों में बंधा होता है। ये सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, वॉर्म्स, बैक्टीरिया के रोगों से बचाती है। नंबर 4, जनेऊ को दाएं कान पर धारण करने से कान की वो नस दबती है, जिससे मस्तिष्क की कई सोई हुई तंद्रा यानी स्लीपीनेस कार्य करती है।
नंबर 5, दाएं कान की नस टेस्टिकल से जुड़ी होती है। यूरिनेशन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणु की रक्षा होती है। नंबर 6, कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। नंबर 7, कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग व रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, साथ में फायदेमंद भी बहुत रही होगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो अभी वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,